हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निरुपमास लर्निंग वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के जियोग्राफी प्रोजेक्ट इन हिंदी। तो ये इसका कवर पेज है, फाइल डेकोरेशन। इससे रिलेटेड आपको मैं वीडियो दे सकती हूँ, आप देख लेना एक बार, चैनल पे चेक करना। और सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन पेज, नेक्स्ट है इंडेक्स जो अभी खाली है, आप उसे अपने हिसाब से भरेंगे, हम तो भर ही लेंगे इसे। तो आगे हमारा, हाँ मैं ये कह रही हूँ कि आप इसे भर लेना, सब कुछ अच्छे से देख लीजिए। फिर आता है सबसे पहले आभार ज्ञापन। तो आभार व्यक्त किया जाता है जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है कि बनाया है, कि जिसने हमारी हेल्प की है, और सबको हम थैंक्स कहते हैं। इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं और देख भी सकते हैं, फिर आप इसको कैसे भी डेकोरेट कर लें। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। आप जैसे आभार ज्ञापन, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मैंने प्लस किया है, वैसे आभार ज्ञापन सर्टिफिकेट और बहुत चीज़ें हैं मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में, आपको फुल मिल सकता है, देख लीजिएगा आप। टॉपिक है आंकड़े स्रोत और संकलन, उससे रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर भी है और सबको पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आप भी ऐसे लिखें पॉइंट वाइज और पॉइंट को हाईलाइट जरूर करें, मतलब दूसरे पेन से लिखेंगे तो हाईलाइट होगा। फिर उसी से टॉपिक में आंकड़ों के संग्रह की विधियाँ, उसको इस तरह से शो किया है बॉक्सेस में, काफ़ी अच्छे से सफाई से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने जो लिखा है, अगर उसमें ये विधियों को ऐसे शो किया जाए तो काफ़ी अच्छा तरीका है। और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण उस पर लिखना, फिर आंकड़ों के स्रोत, मतलब एक टॉपिक दे के आप उसको लिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ पर भी हमारे आंकड़ों के स्रोत संकलन से रिलेटेड सारे लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, और हर चीज़ को जिसको भी हम लिख रहे हैं तो उसे फ़ोटो के रूप में, मतलब यहाँ सामने ज़रूर कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, चाहे आप ग्राफ बनाएं चाहे कुछ और। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्राफ है एंड बार है, जो भी बनते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस में है और टॉपिक में है, ज़रूर उन्हें यहाँ पे अच्छे से लगा के चिपकाएं, और आप देख सकते हैं इसे। वैसे अभी मुझे थोड़ा जुखाम है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ आपको क्लियर ना लग रही हो, या फिर मेरा ध्यान ना हो थोड़ा, तो उसे इग्नोर करना। बाकी आप इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, और जैसे यहाँ पे सिंपल बॉर्डर डिज़ाइन बनाई है ना, अगर आप विदाउट बॉर्डर डिज़ाइन वाले पेज लेते हैं तो आप अपने आप से थोड़ी बहुत डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी आप अपने टीचर के अकॉर्डिंग, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन पसंद है तो डिज़ाइनर पेज ले सकते हैं। बाकी ट्वेल्थ के प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा, मतलब अट्रैक्टिव और बहुत कुछ, तो अभी तो ये तो नॉर्मल प्रोजेक्ट फाइल है, एंड मेन होता है कि ना हमने लिखा क्या है अंदर ना। तो यहाँ पे अच्छे से आप इसे देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं और बेटर और अच्छे से बना सकते हैं। अभी ना गड़बड़ ये हो गई कि मैंने जो कुछ बोला था ना वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने सब कुछ बोल दिया लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ ऑडियो को, तो वैसे ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है इसलिए मैं इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन आप इसे देख सकते हैं, मतलब ये मैं इस
सिस्टर का प्रोजेक्ट है। वैसे आप मेरे सोशियोलॉजी प्रोजेक्ट में जो मैंने वीडियो डाली है उसमें आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे एक्नॉलेजमेंट और सर्टिफिकेट। इंट्रोडक्शन देते ना जब हम पूरे जो हमारा टॉपिक है उसका मतलब एक पेज में इंट्रोडक्शन देते हैं। वैसे यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक यहाँ पे चल रहा है, जैसे हमने फर्स्ट था ना आंकड़ों का संकलन संग्रह वगैरह एक्सेट्रा, तो यहाँ पे सेकंड है आंकड़ों का प्रक्रमण। फिर उससे यहाँ पे लिखा गया है दो टॉपिक लिए हैं उन्होंने, मतलब आप देख सकते हैं उसे कैसे लिखा है। ओके, इतना मतलब 10-12 पेजेस तो है इसमें जो इस पूरे प्रोजेक्ट को फिल कर रहे हैं, काफ़ी लिखा है मतलब सच में। तो आप भी अपने 12th प्रोजेक्ट के हिसाब से जितना लिखना है कि आप कितने टॉपिक और कैसे आप किसी टॉपिक के लिए अगर ग्राफ या फिर वो बना सकते हैं तो ज़रूर बनाए, उसे लिखे ज़रूर, क्योंकि 10 मार्क्स सबको कंप्लीट चाहिए ही, इनसे तो ले ही लें, बाकी पढ़ाई से भी लेते हैं और इसको ये भी 10 मार्क्स क्यों छोड़ने है ना। तो अच्छे से यहाँ पे सेकंड टॉपिक भी लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। और हमारे जो चैनल है ना उस पर आपको जैसे सर्टिफिकेट पर तो बिब्लियोग्राफी भी होती है लास्ट में, कुछ टीचर होते हैं ना जिनको सब कुछ चाहिए होता है, मतलब कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए कथन को। हिंदी में भी जैसे एक्नॉलेजमेंट आभार ज्ञापन है और सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, बिब्लियोग्राफी और इंट्रोडक्शन प्रस्तावना वगैरह जो हम पूरे प्रोजेक्ट का देते हैं उसमें। तो मेरी बाकी वीडियोस को भी विज़िट करना, तो उसमें आपको हो सकता है मिल जाए थोड़ा बहुत। और मैंने अभी सोशियोलॉजी प्रोजेक्ट डाला है क्लास 11th का, उसमें आपको मिल जाएगा, अभी कुछ ही दिन पहले वीडियो डाली है। बाकी यह हमारा प्रोजेक्ट फिनिश हुआ और आपको फाइल डेकोरेशन से रिलेटेड वीडियो भी डाल देंगे और कुछ आइडियाज़ नहीं मिल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को विज़िट ज़रूर करें कि उस पर क्या क्या है, बॉर्डर डिज़ाइन या फिर फाइल डेकोरेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट्स से ना हमें अच्छा लगता है बहुत। तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।